सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी जिला सचिव 288 विधानसभा कैसरगंज तथा शादाब पहलवान कांग्रेस पार्टी नगर अध्यक्ष जरवल के नेतृत्व में हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। खबर यूपी के जनपद बहराइच से आ रही है। तहसील कैसरगंज क्षेत्र जरवल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा झंडा तथा पार्टी का सिंबल लेकर पूरे मार्केट तथा गली मोहल्ले में जाकर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से मिलकर कांग्रेस पार्टी को सफल बनाने की अपील की। यही नहीं, सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी जिला सचिव तथा शादाब पहलवान कांग्रेस पार्टी नगर अध्यक्ष जरवल ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि आज हमारे यूपी की जनता महंगाई से त्रस्त है। नौजवान लोगों को नौकरी या रोजगार नहीं मिल रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहले भारत जोड़ो अभियान में हमारे साथ करोड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। आज भारत गहरे आर्थिक संकट के दौर में गुजर रहा है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसी को लेकर हाथ जोड़ो अभियान चलाकर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़कर एक ऐसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दें। इस मौके पर सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी जिला सचिव 288 विधानसभा कैसरगंज शहदाब पहलवान कांग्रेस पार्टी नगर अध्यक्ष जरवल सुबेब अंसारी, नगर उपाध्यक्ष जरवल मोहम्मद दानिश, नगर महासचिव जरवल सैबू मकबूल भाई, बाबूराम वर्मा, सूरज वर्मा, मोहित सिंह, रज्जब अली, फारूक खान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता की उपस्थिति में हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया। नमस्कार, देखिए इसमें जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज क्षेत्र जो है जरवल ब्लॉक में मौजूद हूँ। आज जो है कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया है। हमारे बीच में भाई साहब, जब जानकारी लेना है किस संबंध में आज ये कार्यक्रम रखा गया। सर, अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव, 288 विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज का प्रभारी एवं जिला सचिव जनपद बहराइच का। आज प्रियंका जी के आह्वान पर हम लोगों ने जरवल कस्बा नगर में भ्रमण करके हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा का जो कार्यक्रम है उसको बताया गया। कांग्रेस पार्टी के नीतियों के बारे में बताया गया, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है जिसका जवाब नहीं है। शिक्षा तो बिल्कुल नदारद जैसी है, शिक्षा का कोई अभाव नहीं है। रोजगार, और सरकार तो रोजगार देने में बिल्कुल विफल रही है। सरकार तो ये जितना भी सरकार चाहे उतना लोगों को बेरोजगार बना दे, क्योंकि वो उसकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहे, आगे उमस ना आए, इसलिए सरकार सबको बेरोजगार और बेशिक्षित करना चाहती है। इसलिए मैं और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा, प्रियंका गांधी जी के द्वारा ये बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसके लिए आप लोग एकजुट होकर के और कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाइए, कांग्रेस पार्टी को विजय बनाइए। जय हिंद, जय भारत। ऐसा नाम परिचय बताएं। कांग्रेस पार्टी नगर अध्यक्ष शादाब पहलवान जरवल। हम लोग ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में निकले हैं। हमारे मुखिया श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की थी 3500 किलोमीटर, उसको तय करके अब ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकली है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मतलब यह है कि हाथ से हाथ जोड़ो, लोगों के प्रति मोहब्बत फैलाओ, इंसानियत में रहो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये यात्रा चल रही है। इसके क्रम में आज शुरुआत हुई है, 2 फरवरी से यात्रा चलनी है। कब तक चलेगी ये? समथिंग 2 महीने तक चलेगी यात्रा। अब हम लोग रोज़ का रोज़ 60 दिन तक सभी लोगों से मिलेंगे और राहुल गांधी अपने नेता की बात बताएंगे, अपनी पार्टी की बात बताएंगे। अगर विपक्ष में मौजूद मतलब मजबूत कोई है वो है कांग्रेस। अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस से